office. और ये निकले दूसरी ईद जुमा के दिन फजर की नमाज को. चलो जल्दी उठो, फजर की नमाज पढ़ो, उठो जल्दी उसको बना लो. फाइनली उजाला होने के आ रहा है. अभी ये देखिए तो फाइनली फजर हो चुकी है और आसमान खुल रहा है और ये यहाँ पे बैठी हुई. चलो खुराना पढ़ने का नहीं है. कब? चलो देखो उजाला हो लेकर आ गया. वहाँ उजाला हो जाना. चलो जल्दी खुराना पढ़ लिया. चलो भैया भी दीदी अभी आई नहीं. चलो ओ ये देखिए माशाल्लाह थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है. बहुत गर्मी हो रही थी और अभी शुरू हुई थोड़ी थोड़ी हल्की सी ठंडी ठंडी हवा. और यहाँ पे चल रहा है कुरान रेसिटेशन. क्या चल रहा है यूसुफ का? यासीन सूरह कहफ पढ़ दो. जुम्मा सूरह कहफ पढ़ लिया. नहीं पापा सूरह कहफ, जैन भी सूरह कहफ और ज़ारा भी सूरह कहफ. अल्हम्दुलिल्लाह. तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है. और आज है सेकेंड ईद यानी जुम्मा. तो हमें बोनस पे बोनस मिलते जा रहा है. जैसे हमें जुम्मा के दिन दो मौके होते थे, जैसे रमज़ान में शाम में तरावी भी होती थी और सुबह में नमाज जुम्मा की नमाज के लिए हमें मस्जिद को जाना पड़ता था. इसी तरह हमें अल्लाह ने आज बम्पर बोनस दे दिया है. जैसे कल जुमेरात में ईद थी और आज जुम्मा सेकेंड ईद है. तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑफर पे ऑफर लग रहा है आजकल. तो यहाँ पे हो रहा है सूरह कहफ की रेसिटेशन. इसके बाद हम खाएंगे चाय बिस्कुट और व्हाटएवर बिस्कुट या बिस्किट व्हाटएवर. तो हमारी चाय बिस्कुट होगी और उसके बाद का प्लान नहीं पता. जैसे जैसे चलते जाएंगे प्लान बनता जाएगा. और इनफैक्ट आज एक और बोनस है. आज फिर जुम्मा है. एक तो ईद का सेकेंड दिन है, उसके बाद जुम्मा ऑलरेडी ईद है और फिर मस्जिद को भी जाना होगा आज. तो अल्हम्दुलिल्लाह कल भी ईद की नमाज गए थे, आज भी जुम्मा की नमाज़ को जाएंगे. तो माशाल्लाह. तो चलिए चलते हैं आगे. पढ़ लो पढ़ लो सूरह कहफ पढ़ लो. तो ये हमारा सारा जिन आपका याद का ही चाय बिस्कुट जिन. हाँ जिन चाय बिस्कुट टू. तो अभी है हमारा चाय बिस्कुट टाइम. ज़रा आजा जल्दी जल्दी आए, बिस्किट मिलता है. पढ़ा मिस्र यासीन भी पढ़ा. बंटवारे की ये नीरज चोपड़ा कौन मोम दो. मस्जिद में अच्छा दिखता था. नहीं जैन खाते थे सब की ब्रेक चाय बिस्किट डुबा डुबा को मस्जिद से एक एक बिस्किट देते. अच्छा वो दो दो नहीं, नहीं एक एक देते थे लेडीज को. तो हमें खुद एक्स्ट्रा बिस्किट्स ले लेके जाकर होते ना, पार्ले जी पार्ले जी, कभी सन फेस्ट, कभी गुड ये क्या वो मॉम्स मैजिक. तो वो हमें भी डुबा डुबा खा लेते. नज़ारा अच्छा दिखता था. नहीं मजा वो फिर वन ईयर जपना. ये मेरी चाय इंशाल्लाह अगर अल्लाह जिंदा. ये मेरी चाय मॉम की. वो उठो जल्दी जल्दी, इशराक का टाइम हो गया है. और ये देखिए सुबह सुबह इशा के नमाज के बाद यहाँ पे लगी है ज़ैनब को ड्यूटी. मेरे पैर को मेहंदी लगा रही है बच्ची. मेहंदी नहीं अरख. हाँ अरख नाखून को. ये जल्दी सूख जाता है. और ज़ारा लगाएंगे. तो अभी है मेरी शामत के बच्चों के हाथों से यहाँ पे लगा रही हूँ मेहंदी. जज़ाकअल्लाह ज़ैन. सो ये देखिए अभी हो रहा है 8:10 और यूसुफ और यूसुफ के पापा का नाश्ता हो गया है. और अब हो रहा है हमारा नाश्ता मरकिन की रोटी, मैदा, अंडा और चाय. सो अस्सलाम वालेकुम एक बार और. तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज नाश्ता सब होने के बाद हम थोड़ी देर सो गए थे. और सोकर उठने के बाद ये देखिए थोड़ा सा काम होने के बाद अभी शुरू हो गया है रेडी होने का वक्त. अभी हो रहे हैं 12:25 या 12:20
और अभी तक अजान भी नहीं हुई है, बट हम रेडी हैं, जाएंगे इंशाल्लाह अजान से पहले वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज जुमा है और वो भी ईद के दूसरे दिन का, तो मस्जिदें फुल हो जाएंगी, इसलिए एहतियाती के लिए हम जल्दी पहुँचने वाले हैं इंशाल्लाह। तो ये देखें रेडी हो गए यूसुफ, ज़ारा, वही बैक टू पवेलियन, बैक मस्जिद को वापस इंशाल्लाह माशाल्लाह से। ईद के दूसरे दिन ही हमें मौका मिल गया जाने का, तो चलिए मिलते हैं मस्जिद में। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे जिंदगी की फिक्र करें जो जिंदगी कभी खत्म होने वाली नहीं। देखिए इस दुनिया में सिर्फ लोगों का पेट भर देना, सिर्फ इस दुनिया की हद तक लोगों का काम आ जाना, ये बड़ा कमाल नहीं है। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. चालीस। तो फिर से हम वापस आ गए व्लॉग बनाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नमाज सब हो गई थी, तो जुमा की नमाज के करीब करीब लोग वहां पे मस्जिद में ज्यादातर आ गए थे, बट उतना रश नहीं था, ओके था। तो वही आज मतलब लास्ट के दो तीन, हाँ, तो वही मस्जिद में आज वही बोल रहे थे कि रमजान हो गया है तो मस्जिद अभी खाली ना करें, मस्जिद को आए, नमाज पढ़े, ये सब। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी नेक्स्ट वीक फ्राइडे तक हमें वेट करना पड़ेगा अगर फिर नमाज को जाना है। तो ये सब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा खाना भी हो गया और हम निकल रहे हैं अभी अम्मी के घर पे, क्योंकि ईद का सेकेंड डे है और जैसे कि तैसे रोज़ एक एक की बारी होती है फूकने की, तो आज यूसुफ फूका हुआ है क्योंकि आज मैंने लेट कर दिया अम्मी के घर पे जाने का। तो आज ये बच्चे वही कपड़े पहने हैं क्योंकि वहाँ पे शायद इन ये लोग खेलेंगे वहाँ पे पानी में, वाटर हाँ पानी का झगड़ा करेंगे ये लोग। तो उसके बाद चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे बैग में कपड़े रख लिया है। तो चलिए चलते हैं हमें के घर पे, मिलेंगे वहाँ पे क्योंकि आए हैं भाभी मैसूर से और आप ही बच्चे सब हैं। तो चलिए चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम। चलो 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 जरा बाग वो घर को आके अच्छे बच्चे ईद मिलने आए माशाल्लाह। लो बा माशाल्लाह, देखो बा शादी का रुखा खोलो बा, ये मेरे कजन हानी की शादी का रुखा, ये देखिए माशाल्लाह इनविटेशन, निकालो बाबू माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ये बहुत बड़ी खुशी हुई माँ, कैसा कि ख्याल करे ना अमजद मिठाई के डिब्बे के साथ। ये देखे गाइस माशाल्लाह, नहीं मेरा नाम आया सो ख्याल करे ना क्या आप। अरे वाह
अब भी मालूम नहीं तुम्हें खाने की शादी का रुको, रुको। मुबारक हो जरा आधा दे मुबारक हो आए